Hello students, welcome to Skoolmate. Today we are going to discuss about the topic speed, time and distance that is taken from the ICSE board class 8. In this chapter we are going to discuss about the train and boat because both of the topic is related to speed, time and distance. Before starting this chapter, again I would like to say that please subscribe this channel Skoolmate to get more and more video. We will update videos time to time. First of all, speed equal to distance by time. This is formula. Speed equal to distance by time. Distance equal to speed into time, and time equal to distance by speed. पहला चीज ये कि आपको तीनों चीज पता होना चाहिए कि speed कौन सा है, distance कौन सा और time कौन सा है. इसको पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इन तीनों का अगर हम यूनिट पता कर लें. अगर हम यूनिट की बात करें तो ये इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. ये दो अलग अलग यूनिट है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस की बात करें तो इसका यूनिट आपको या तो मीटर में मिलेगा और नहीं तो फिर किलोमीटर में मिलेगा. एंड इफ वी आस्क अबाउट टाइम देन द यूनिट विल बी इन द सेकेंड और आवर. ये भी हो सकता है कि आपको यूनिट जो है मिनट में भी मिलना है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज करेंगे. तो अगर आपके क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है अगर मीटर पर सेकेंड है और किलोमीटर पर आवर है, इट मीन दैट इज रिलेटेड टू स्पीड. इफ द यूनिट इज मीटर और द किलोमीटर, इट मीन इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस. एंड इफ द यूनिट इज सेकेंड और आवर, इट मीन इट इज रिलेटेड टू टाइम. फर्स्ट ऑफ थिंग हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका स्पीड है, डिस्टेंस है या टाइम. किसी भी क्वेश्चन में आपको दो चीज मिला होगा, या तो ये दोनों नहीं तो फिर ये दोनों, नहीं तो फिर ये दोनों, और इन दोनों के अलावा बाकी आपको तीसरा निकालना होगा. इसमें एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, जो आपका इसमें बेसिक क्वेश्चन आता है वो आपका ये आता है कि आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए. मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर, या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड को. तो इसमें बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है, इट मींस मल्टीप्लाई 18/5. और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना है, इट मींस मल्टीप्लाई 5/18. जो भी आपका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा, और 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर पर आवर जो है आपका मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा. अब ये मीटर पर सेकेंड 18/5 कहां से आया? अगर हम इसकी बात करें 18/5, तो हम लोग को पता है कि किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर डिवाइड बाय आवर. किलोमीटर को अगर आप मीटर में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई 1000, और आवर को अगर सेकेंड में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई 60 × 60. ये दोनों कट गया, 2 से 5, 2 से 3, इट मीन 5/18. तो यहाँ पे हो गया इसका टोटल जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, 5/18 आ रहा है. अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि मल्टीप्लाई 5/18 करना है और 18/5 करना है. तो हम लोग को पता है कि जो मीटर का जो यूनिट है, जो मीटर का यूनिट है वो किलोमीटर से छोटा है. इसका मतलब किलोमीटर मीटर से बड़ा है, और मीटर को किलोमीटर बनाना है इसका मतलब है कि आपको बड़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वो बड़ा से मल्टीप्लाई कर दिए 18/5, और यहाँ किलोमीटर को मीटर बनाना है तो छोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 5/18. तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं.
एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको स्पीड बदलना है मीटर पर सेकेंड, इट मींस 54 मल्टीप्लाई 5 बाई 18 3 टाइम्स इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली हम लोग को जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में मिलता है वो आपका ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। हम लोग को जो क्वेश्चन मिलता है रिलेटेड टू ट्रेन होता है, हम लोग को पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना कुछ ना कुछ लेंथ होता है, तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ को होता है, पर कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट है दे डज नॉट हैव लेंथ, इट मींस मैन पोल ट्री, इन सब का अपना कोई लेंथ नहीं होता है, इन सब का अपना हाइट होता है पर लेंथ नहीं होता है। पर अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो आपका ब्रिज ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ये तीन चीज आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको लेंथ है तो दिया हुआ रहेगा, चाहे तो आपको लेंथ निकालना पड़ेगा पर इसका अपना कोई ना कोई लेंथ होता है। तो जो आपको टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपका ये बेसिकली इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, मैन पोल और ट्री और नहीं तो फिर ब्रिज ट्रेन और प्लेटफॉर्म। अगर ये टॉपिक दिया हुआ है इसका मतलब है कि इसका अपना कोई लेंथ होगा तो आपको लेंथ निकालना है। अब क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं, अगर एक ट्रेन जो है किसी आदमी को, इफ ए ट्रेन क्रॉस ए पर्सन इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड एंड इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज मींस s इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, ये आपका दो यूनिट दिया रहेगा। अब कहेगा कि ट्रेन की लंबाई लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितना होगा, तो एक चीज देखिए यहाँ पे हम लोग को लेंथ का मतलब रिलेटेड टू डिस्टेंस, मतलब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, हम लोग फॉर्मूला पे जाएंगे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है एस इंटू टी, इट मीन 15 × 5 = 75 मीटर। इससे पहले वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट ए पर्सन हैज नो लेंथ, इसका मतलब कि जो हम लोग का डिस्टेंस आ रहा है दैट इज एग्जैक्टली द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन। अब इसी में क्वेश्चन आपको बदल दिया जाए, क्वेश्चन आपको मिल जाए लेंथ ऑफ ट्रेन इज 250 मीटर, स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर, और किसी ब्रिज को अगर वो क्रॉस करता है तो उसको टाइम कितना लग जाता है, सपोज मान लीजिए उसको टाइम लग जाता है 20 सेकेंड, सपोज मान लीजिए किसी ब्रिज को पार करने में टाइम 20 सेकेंड लग गया, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ या लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को लेंथ किसका दिया हुआ है, ट्रेन का दिया हुआ है, ब्रिज का भी अपना कोई लेंथ होगा, स्पीड और टी दिया हुआ है, तो इस चीज को हम छोड़ देंगे, हम लोग डायरेक्टली कांच ले जाएंगे, तो एस और टी देने के बाद हम लोग करेंगे बी इक्वल टू क्या होता है टी इंटू एस, इट मीन्स पहले आपको यूनिट बराबर करना पड़ेगा, किलोमीटर बराबर है और यहां से सेकेंड है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 5 / 18, ये दोनों का डिग्री कितना आ गया, तो ये आ गया आपको 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे टी इक्वल टू टी इंटू एस, तो टी है कितना 20 × s कितना 15 = 300 मीटर। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेटा डिस्टेंस इज 300 मीटर पर यहां पर लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना दिया हुआ है 250 मीटर दिया हुआ है, इट मींस लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 - 250 = 50 मीटर।
तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, लेंथ ऑफ द ब्रिज।